तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं स्वाइप करके, तो आपने देखा होगा कि फेसबुक का वीडियो अपने आप ही प्ले हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो डाटा है वो फेसबुक ज़्यादा एक्सेस करता है। आपको पता होगा कि फोन जो जियो में अधिकतर लोगों के पास जियो का सिम होगा, तो जियो का जो रिचार्ज हो कितना बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, अब 150 का रिचार्ज 179 का हो गया दोस्तों। तो आपको डाटा बचाना होगा, डाटा उसी में आपको सेव करके रखना होगा। ऐसी जगह डाटा बर्बाद ना करें जो आप कुछ यूज भी नहीं कर रहे हो, आप डाटा एक्सेस कर रहे हैं वो एप्लीकेशन। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक का जो वीडियो है जो उसको आप स्वाइप करके देखते हैं वो अपने आप प्ले हो जाता है, तो उसको और प्ले हो रहा है तो उसको बंद कैसे करें, उसको ऑटो प्ले जो है उसको ऑफ कैसे करें। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक में आप ऑटो प्ले वीडियो को कैसे ऑफ कीजिएगा, तो सिंपली से इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ऊपर देखिए 3 लाइन आपको दिखेगा, तो 3 लाइन पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन पर टैप करना है। फिर से एक ऑप्शन जगह सेटिंग का, तो सिंपली से फिर से आपको एक सेटिंग ऑप्शन पर टैप कर देना है। सेटिंग ऑप्शन पर टैप करने के बाद नीचे आना, देखिए प्रेफरेंस में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मीडिया का, सबसे नीचे से 3रे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा मीडिया, तो सिंपली से आपको मीडिया के ऑप्शन पर टैप कर देना है। मीडिया के ऑप्शन पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाएगा ऑप्टिमाइज और यहाँ पे नीचे डाटा सेवर, तो सिंपली से आपको डाटा सेवर पर टैप करना है। उसके बाद नीचे आएगा ऑटो प्ले, ऑटो प्ले में आपको लिखेगा यहाँ पे होगा ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, तो सिंपली से आपको क्या करना है नेवर ऑटो प्ले वीडियो 3रे नंबर पर आपको बॉक्स पर टिक कर देना है। लेकिन नेवर ऑटो प्ले वीडियो ना ही ऑन वाईफाई ओनली करना है और ना ही ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई करना है, तब ताकि आपका अगर आपका वाईफाई भी से भी मोबाइल जुड़ा हुआ है तब पर भी आपका यूट्यूब फेसबुक के जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक ऑटो प्ले नहीं हो, तो आपको सिंपली से नेवर ऑटो प्ले वीडियो पर क्लिक कर देना है। और ऊपर आपको डाटा सेवर भी ऑन कर देना है ताकि आपका डाटा अधिक से अधिक बढ़ सके। और उसके बाद जैसे ही आप बैक आते हैं तो फेसबुक में कोई भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप देखिए जब तक मैं वीडियो पर क्लिक नहीं करूँगा ये वीडियो मेरा शो नहीं होगा, मतलब चलेगा नहीं, मुझे इसको देखने के लिए इस पर क्लिक करना होगा नहीं। और पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक स्वाइप करूँगा और ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप फेसबुक ऑटो प्ले वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।